फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे टिप्स जिनसे हम मसालों को 1 से 2 साल तक बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला टिप तो यही है मसालों को रखने का, कि मसालों को हम एयर टाइट डब्बों में और ऐसे डब्बों में रखें जो बिल्कुल साफ धुले हुए हों, उनमें आटे का हाथ बिल्कुल भी ना लगे और ना ही किसी और अनाज का, और इनको बिल्कुल ड्राई प्लेस पर रखना चाहिए, यानी कि जहाँ पर नमी बिल्कुल भी ना हो और जहाँ पर धूप आती है ऐसी जगह पर हमको मसालों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मसालों को हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस पर ही रखना चाहिए, तब इन बहुत ही छोटे टिप्स के साथ हमारे मसाले बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमको मिर्ची किस तरह से रखना चाहिए। तो लाल मिर्च को स्टोर करने के लिए मैंने ये एयर टाइट कंटेनर को अच्छे से वॉश करके बहुत अच्छे से सुखा लिया है और अभी मैं इसमें आधी मिर्च डाल देती हूँ। ध्यान रहे कि मिर्च को भरते टाइम अपने मुंह पर कोई रुमाल या कपड़ा बांध लें ताकि जो इसकी धांस उड़ेगी वो आपके मुंह पर ना लगे, नहीं तो बार बार छींकें आ सकती हैं। मैंने तो ये लाल मिर्च मार्केट से पिसवाई है। अगर आप घर में पीस रहे हैं तो मिक्सर के जार में मिर्च पीसते टाइम मिर्च डालने के बाद 1/2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल लें या मीठा तेल डाल लें, तो ऐसा करने से मिर्च की धांस नहीं उड़ती है। और अब मिर्च ख़राब ना हो इसके लिए मैंने एक बिल्कुल साफ़ कपड़े में थोड़ी सी लौंग इस तरह से रखकर इसकी पोटली बना ली है। इसको हम धागे से कवर कर देंगे ताकि ये खुले ना। और बस आधी मिर्च मैंने भर ली है, तो ये पोटली हम डाल देते हैं कंटेनर में और बाकी की मिर्च भी हम ऊपर से डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें खुली लौंग भी डाल सकते हैं, जब आप मिर्ची निकालते जाएं तो लौंग हटाते जाएं या लौंग वापस डब्बे में डालते जाएं। लौंग के अलावा आप इसमें खड़ा नमक पोटली बनाकर या तेजपान के पत्ते भी डाल सकते हैं, इससे भी आपकी मिर्च ख़राब नहीं होगी। और बस मैंने कवर कर दिया है इसको अच्छे से और डिब्बे को हम किसी ड्राई एंड कूल प्लेस पर रख देंगे, जैसे कि स्टोर रूम वगैरह हो आपका, जहाँ पर कोई नमी ना हो। और अब मैं धनिया रखने जा रही हूँ, तो उसके लिए भी मैंने एक जर्मन का डिब्बा ले लिया है। ये अच्छे से वॉश किया हुआ और एकदम सूखा हुआ है और आधा धनिया मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और धनिया में हम रखेंगे खड़ा नमक, आप चाहें तो इसमें भी लौंग रख सकते हैं, लेकिन खड़ा नमक बहुत ही कारगर होता है। तो मैं आपको एक मसाले में ये रख के दिखा रही हूँ, और मैं भी ये मसाले साल भर के लिए ही स्टोर करके रख रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ और ये मसाले कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैंने नमक को पैक कर दिया है एक पोटली के अंदर, बांध देती हूँ मैं इसको धागे से। और बस नमक की पोटली रखने के बाद जो बाकी का बचा हुआ धनिया है वो भी हम डाल देंगे। और वैसे जो एयर टाइट डब्बे होते हैं उनकी तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन अगर इस तरह के कोई डिब्बे हैं तो इनको आप खाली ना ढकें, इस तरह से एक पॉलीथीन वगैरह लगा दें और इस तरह से कवर कर दें, तो ढक्कन एकदम टाइट हो जाएगा और ये डिब्बा भी एकदम एयर टाइट कंटेनर की तरह ही काम करेगा। तो बस इसको भी पहुंचा देती हूँ मैं जगह पर। और अब हम रखते हैं हल्दी। तो हल्दी के लिए भी मैंने एक डब्बा अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। अब आधी हल्दी मैं इसमें डाल देती हूँ। हल्दी घरों में पूजा पाठ वगैरह में भी यूज़ की जाती है, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग। आप चाहें तो नमक या तेजपान के पत्ते भी डालकर इसको रख सकते हैं। और सेम प्रोसेस से हम लौंग की पोटली डाल देंगे हल्दी के डिब्बे में और बची हुई हल्दी भी ऊपर से डाल देंगे। और बस मैं इसको भी इस तरह से पॉलीथीन लगाकर बंद कर रही हूँ, अच्छे से एयर टाइट कर रही हूँ ताकि इसमें भी कोई नमी ना जाए। और बस साल भर के लिए हमारे मसाले स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये मैंने ज़ीरा लिया है, तो ज़ीरा तो ये पैकिंग है तो मैं इसको नहीं खोल रही हूँ। इसमें भी आप थोड़ी सी लौंग मिक्स करके या तेजपान के पत्ते डालकर इसको स्टोर कर सकते हैं। और वैसे आप खड़े मसालों को कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखेंगे तो ये वैसे भी ख़राब नहीं होंगे। और हमको मसालों को बीच बीच में चेक भी करते रहना चाहिए डेली यूज़ के लिए। सारे मसालों को छोटे छोटे डब्बों में निकाल कर रखना चाहिए ताकि बार बार जो हमारे आटे के हाथ हैं या किसी भी चीज़ के हाथ हैं अनाज वगैरह के, तो मसालों में ना लगें तो ये ख़राब नहीं होंगे।
तो फ्रेंड्स, ये थे छोटे मोटे टिप्स जिनसे आप मसालों को सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ साथ कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में न्यू रेसिपी एंड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।